इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख मैं कर रही हूं, कब्स के ऊपर रिएक्शन ऑन दैट इज वेल। कांग्रेस शोज कांग्रेस द मिरर नाउ। कांग्रेस कैंडिडेट सेज ईवीएम्स नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। वी हैव अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम ब्रिजेंद्र सिंह, लेट्स लिसन इन। मशीन को लेकर बड़ी देर से यहां चर्चाएं चल रही थी सरकार में। नहीं नहीं, वो मशीन को नहीं था, एक मशीन में वो जो मॉक पोल होता है वो डिलीट नहीं किया हुआ था, तो वो जो 783 वोट जो डली थी पोलिंग वाली, उनको फिर वीवी पैट से उनकी गिनती की गई है, इसलिए वो डिले हुआ है। संजय गुप्ता, क्या अभी फिलहाल कांग्रेस और उनके जो सहयोगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्सक्यूज यूज किया जाए? कभी आप कंस्पिरेसी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जो राउंड्स में देरी हुई है उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। अल्टीमेटली गिनती होने के बाद जो नंबर सामने आए उसी के आधार पर तो जीत और हार तय हो रही है, या देरी की वजह से कोई जीत रहा और हार रहा है? मुझे लगता है कि कुछ फैसला ऐसे होते हैं कि जो समय के अनुसार चेंजेस होने चाहिए, और कुछ भावना ऐसी होती है जो देश की भावनाओं को, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो देश की भावनाओं को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। जिस तरह से संगठन में चेंजेस बीजेपी ने किए हरियाणा के अंदर, कट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को लाए, फिर तो उसके बाद उन्होंने देखा किसके साथ संगठन करना है, किसके साथ गठबंधन नहीं करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जिस तरह से कैंडिडेट उन्होंने उतारे, इसी चीज का फायदा बीजेपी को मिला है। साहब आप तो यूपीटी के लीडर हैं, मुझे लगा कि आप बीजेपी की खिलाफत करके कांग्रेस के बारे में कुछ कहेंगे। देखिए, अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी सही बात को उसके खिलाफ ही बोले। हाँ, तो आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ गई थी क्या? कांग्रेस को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि उनकी टक्कर कहां बीजेपी से सीधी है, वहां अपने एलायंस को आगे कर दें, खुद सीधी टक्कर ना लें। बिल्कुल, इस बात को अगर सही से ध्यान में रख करके किया गया होता कि गठबंधन किस तरह से करना है, किस साथी के कैंडिडेट को किस जगह उतारना है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होता। मगर जिस तरह से बीजेपी ने तो इस बात को समझा कि किस तरह से उन्होंने नायब सैनी जी के नए चेहरे को लेकर के आया, किस तरह से जेजीबी से उन्होंने अपना गठबंधन हटाया, किस तरह से उन्होंने किसके साथ अलायंस करना था नहीं करना था, इन सब चीजों को जिस फार्मूले के साथ बीजेपी ने किया, तो उससे ही बीजेपी को ये फायदा रहा। हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर तीसरी बार दोबारा मिस्टर मगामी, वेरी क्विकली इवन योर एलाइज आर सेइंग यू नो दीज आर द फैक्टर्स दैट लेड टू योर डिफीट, व्हाइल यू कीप ऑन सेइंग कि कंस्पिरेसी हुई है। और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि कांग्रेस की तो कोई जात पात की पॉलिसी नहीं होती, लेकिन पूरे कैंपेनिंग के वक्त आपका फोकस जाटों पर था, आपको लगा जाट नाराज हैं, हम जाटों को कंसोलिडेट कर लेते हैं अपने साथ, और आपके हिसाब से दलित और पिछड़ा तो आपके साथ थे ही, पर वो कैलकुलेशन गलत हो गई। नहीं, कांग्रेस ने कभी जात पात पे यकीन नहीं किया, वो तो सबको साथ लेके चली है, तो कहीं जगह ये तो नहीं, जरूरी नहीं है दोनों में से तो एक ही को जीतना था। अब कहीं जगह किस कुछ सीटों में कहीं कमियां रह जाती है, उस सीटों पे जायजा लिया जाएगा कहां पर खामियां रही है, और कोशिश की जाएगी कि 5 साल में उन खामियों को दूर किया जाए। इतने साल का वक्त आपके पास था, 10 साल तक तो सत्ता में बीजेपी रह गई हरियाणा में, उसके बाद भी अगर आप कांग्रेस पार्टी खामियां ही ढूंढ रही है तो उनके स्ट्रेटेजिस्ट को और जो लोग तो इन सीटों के सामने पॉलिसीज बनाते हैं, सर तो उनको फिर भी सेवन उनको सोचने की जरूरत है। हम तो साथ फिर भी आगे आप कह रहे हैं जात पात नहीं हो रहा है, बट कॉन्स्टेंटली द कास्ट सेंसस पिच एंड राहुल गांधी यूनाइटेड सेइंग कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया तो हम इसको खत्म कर देंगे, ऑल ऑफ दिस हैज हैड एन इंपैक्ट ऑन द मैक्रो लेवल इन हरियाणा। यू मे वॉन्ट टू अग्री और नॉट। अ वेरी क्विक ब्रेक विद दैट, शुभ मल्होत्रा एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।